योगी जी को सामने आना चाहिए और ऐसे देशद्रोही लोगों को भी जेल में डालो। वो केजरीवाल को डाले ना, फिर ये कौन सी खेत की मूली है, वो एमएलए और वो कौन कौन है आई डोंट नो है कि नहीं, बट जो भी सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी जेल में डालो। ये क्या हुआ बात, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ये औरत, वेश्या औरत 13 साल की उम्र से वो भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है। वेश्या समझ में आता है ना, माँ बनी ना बहन बनी ना पत्नी बनी ना बहन, कुछ भी नहीं बनी, एक अच्छी इंसान नहीं बनी। शर्म नाम की चीज है नहीं। इधर आके साड़ी पहन के बैठी रहती है कंधे में हाथ डाल के, शर्म नाम की चीज नहीं है। बेशरम औरत, हमारे देश में ऐसे लोग नहीं चाहिए, ना पाकिस्तान वालों को चाहिए। इसको काल कोठरी में डालो ऐसी औरत के, मतलब मुसलमान। और फिर अभी वो भी बोल रही है ना सिया, और उसमें भी आ गई अभी, क्यों? सही बात है, ये बहुत ज्यादा है एक्चुअली। किसी ने इसको लेना नहीं चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। उसकी जमान देखो, कोई बोल नहीं रहा है तो वो देखो कितना खुल गई है और खुलते जा रही है, बोल ही रही है। मुझे इतना, वो दोनों देश को बुरा बोल रही है ना। मुझे देखो, मैं ना, मैं कोई देख नहीं रही, मैं मुसलमान हिंदू मैं नहीं देख रही हूँ, मैं इंसान देख रही हूँ। मेरे साथ कौन अच्छा है, रिस्पेक्ट कौन देता है, हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं। मैंने कभी ऐसा, मैंने ऊपर नीचे मैं कभी नहीं देखती हूँ, मैं सब इंसान को सेम लेवल में देखती हूँ। तो मेरे विचार ऐसे नहीं है, इसलिए मुझे दोनों कंट्री के लिए बुरा लगता है। ऐसा नहीं कि इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए भी बुरा लगता है, क्योंकि बहुत गंदा बोल रही है। कोई आज तक कोई औरत बोली नहीं, ना इंडिया में कोई बोला, ना पाकिस्तान से कोई बोला, सिर्फ यही बोल रही है। तो इसकी हिम्मत क्यों बढ़ गई है? तो इसको पकड़ो, बोलना जो इसके पीछे है उनको भी पकड़ो। सही बात है, ये बहुत हो गया, बहुत हो गया, ओवर हो गया। अब तो बर्दाश्त से बाहर हो गई है बात, बर्दाश्त तो बाहर हो गया। वो लल्लू, तो मुझे तो लल्लू को देख के बहुत ही गुस्सा आ रहा है। वो इतना स्टाइल, ऐसा पैर करके ऐसा बैठता है, फिर ऐसा हाथ वात, क्या है ये भिखारी? खाने का रोटी नहीं था और अभी क्या ऐसा हो गया? बस थोड़े में ज्यादा लग गया है। और वो अब तो सारा खानदान इस काम पे लग गया है, अब तो बंदा बंदा इसके खानदान का इस काम पे लग गया है। बात हो गई यार, ये सब लोग झेल रहे, सब लोग झेल रहे हैं। हम लोग रुके हैं, हम लोग, मोमिन सर ने वर्ड दिया पेशेंस, तो हम लोग रखे हैं और हम लोग रखेंगे, क्योंकि हमें ट्रस्ट है, 1000% ट्रस्ट है मोमिन सर और करने वाले हैं। बट इसको, इसको हम लोग एक साइड में देख भी नहीं पा रहे, क्योंकि यह बहुत ज्यादा हो गया, बहुत गन फैला रही है। उसने देख लिया कि कोई कुछ नहीं बोल रहा है, उसको सपोर्ट करने वाले सपोर्ट कर रहे हैं और उसका और इच्छा बढ़ रही है। वो मार खाती है गुप्तोहर, शी डिजर्व। उसने हैदर भाई को बोला मारती थी, हैदर भाई ने कभी हाथ नहीं उठाया, अभी सब उल्टा हो रहा है। तो वो कर्मा है ना, वो घूम के उसको आया, वो जो बोल रही थी ना हैदर भाई को, वो सब उसके साथ इधर हो रहा है इंडिया में। तो लल्लू कर रहा है और अदर आदमी भी करते रहेंगे, क्या मालूम मारते रहेंगे, नेवर नो। सही बात है, बिल्कुल सही। तो कर्मा देखो कैसे घूम के आता है, वो घूम के ही आया और अभी घूम घूम के उसका भी बराबर उसको कोठरी में डाल देगा। बेशरम औरत, तेरा कुछ अच्छा नहीं होगा और तेरा कोई करेंगे भी नहीं अच्छा, जो सपोर्ट कर रहे हैं ना वो भी नहीं करेंगे। बिकॉज सम देखो, वहां जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं लगेगा कि शी इज रॉन्ग, वी डोंट हैव टू सपोर्ट हर। तो वो लोग नहीं सपोर्ट करेंगे कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है, वो पीछे हट जाएंगे। कौन है ये, कौन है ये औरत, जीरो औरत कौन है, गंदी सी, सच्ची में गंदी दिखती है। शी इज नॉट अ ब्यूटीफुल, सलमा आगा ब्यूटीफुल है। पाकिस्तान के सीरियल्स देखते हैं हम लोग, एपिसोड्स, कितने ब्यूटीफुल लड़कियां हैं, क्या ये क्या है, उनके पैर की जूती भी नहीं है। किंजा कितनी सुंदर दिखती है, विदाउट मेकअप भी उसके फीचर्स कितने सुंदर है, ब्यूटीफुल किंजा भी। और ये क्या औरत है, देखो जिसकी जो औकात रहती है ना फैसल जी, वो उसी जगह पे कीचड़ में गिरी है, तो वो उसकी औकात वही है, इसलिए वो वहां गिरी है और उसको वही फल मिल रहा है। मारते हैं रोज, वो ऐसे ही मारे, बट उसके कारण बच्चे सफर कर रहे हैं, बच्चों को भी मारते रहेंगे, उसका गुस्सा उस पे बच्चों को भी उतारते हैं। कितने दुबले दिखते हैं, कितने वीक दिखते हैं, सब अंदर चले गए, गाल ये इतने पतले पतले दिखते हैं, कपड़े कैसे ओपन पहना दिए, वो फिजिकली अब नजर आ रहा है, फिजिकली नजर आ रहा है कि बच्चे कमजोर हो गए हैं। उनके माइंड पे कितना असर हो गया 1.5 साल में, मतलब बच्चों को वहां से अभी हटा देना चाहिए। कितना रुक रहे हैं ये लोग, मुझे तो नहीं पसंद। मैंने तो पर्टिकुलरली एक स्पार्क सा जनरेट हुआ है सब लोगों के अंदर, स्पेशली जब हमने बच्ची को देखा ना, बड़ी वाली फ्रीहा बतूल को देखा,
वो उससे खड़ा नहीं हुआ।